बता दें कि बिहार से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने साफ तौर पर नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि बताएं नीतीश कुमार की दलितों की हत्या क्यों कर रहे हैं। चिराग पासवान के बाद अब मुकेश सहनी भी गरज रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज भोजपुरी। आइए खबर को विस्तार से जानते हैं। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बता दें कि साफ तौर पर वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने नीतीश कुमार के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि आखिर नीतीश कुमार बताएं कि दलितों की हत्या क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि सीएम नीतीश कुमार को यह जवाब देना चाहिए कि आखिर दलितों के ऊपर हत्या क्यों हो रही है और दलितों के ऊपर सरकार ध्यान क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि एससी और एसटी के भरोसे वो चुनाव जीतने वाले हैं, तो उसके लिए उनके ऊपर ध्यान भी देना होगा, तभी जाकर उनको वोट मिलने वाला है। बता दें कि जदयू की भीम संसद पर भी खास करके बरस गए मुकेश सहनी और बोले सीएम नीतीश बताएं आखिर दलितों की हत्या क्यों हो रही है। एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान के बाद अब मुकेश सहनी ने भी बड़ी बात कहते हुए कहा है कि आखिर दलितों की हत्या क्यों हो रही है। ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरह से जाति जनगणना का रिपोर्ट नीतीश कुमार की सरकार ने सार्वजनिक किया है, उसके बाद से दलितों की हत्याएं लगातार हो रही है। इसके पीछे का कारण क्या है, आखिर नीतीश कुमार इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं। बता दें कि जदयू की भीम संसद पर भी जब रविवार को मुकेश सहनी जमकर बरसे, नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए मुकेश सहनी ने साफ तौर पर कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि बिहार में आखिर चुन चुनकर दलितों की हत्याएं क्यों हो रही है। उन्होंने साफ तौर पर नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि चाहे सरकार किसी की भी हो, चाहे वो बीजेपी हो या फिर नीतीश कुमार की सरकार हो, हमेशा अति पिछड़े और पिछड़े जातियों को दबा कर रखा जाता है, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर ये अति पिछड़े जाति वाले ऊपर आ गए तो ये सरकार भी गिरा सकते हैं, इसीलिए इनको हमेशा दबा कर रखा जाता है। उन्होंने साफ तौर पर बिहार में बढ़ रही घटनाओं को लेकर, बिहार में अपराध को लेकर और खास करके बिहार के शिक्षा स्तर को जिस तरह से लचर प्रदर्शन जिस तरह दिख रहा है, और खास करके बिहार के विकास के मुद्दे को खास करके उन्होंने टारगेट किया है, और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि सबकी का जो हिसाब है और जो सवाल है ये जनता आने वाले चुनाव में पूछेगी, और इसका एक एक करके जवाब भी मांगेगी, तब नीतीश कुमार की सरकार को जवाब देना भी भारी पड़ जाएगा। तो खबर आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।